भारी बारिश से मुनस्यारी क्षेत्र में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सड़कों के किनारे तमाम झरने निकल आए हैं। झरनों के बीच से वाहन गुजर रहे हैं। झरनों में पानी का बहाव अत्यधिक होने से दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ रही हैं। मदकोट क्षेत्र में मंदाकिनी नदी उफान पर है। देवी बगड़ और भोरा बगड़ में भूस्खलन हो रहा है। रोपण पैदल मार्ग ध्वस्त हो चुका है। धारचूला तहसील के अंतर्गत दौबाट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है। मुनस्यारी थल मोटर मार्ग बनिक के पास बंद होने से वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। मुनस्यारी मदकोट मोटर मार्ग घिंघरानी बंगा पानी में बाधित है। मार्ग बंद होने से यात्री परेशान है। गोल्फा में नरसिंह पांगती के घर के पीछे भूस्खलन से मकान में मलबा भर गया है। बोनापुल पैनागाड़ के पास बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उधर चंपावत जनपद में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। चंपावत से टनकपुर के बीच फिलहाल मार्ग आवागमन के लिए खुला हुआ है। गौरीपार क्षेत्र की तमाम सड़कें मलबे से पट गई है। वलथी, डोलमा, निर्तोली, झापुली, तौमिक, बोना, धारखेत, राप्ती, गैला को जोड़ने वाली सड़क देवी बगड़ में क्षतिग्रस्त पड़ी है। अभी तक मार्ग को ठीक नहीं कराया गया है। सड़क पर जगह जगह मलबा गिरा होने से आवागमन ठप है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने सड़कों को अविलंब ठीक नहीं कराए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एक महीने होने को है, बिल्कुल विभाग को बार बार ये मलबा हटाकर मोटर मार्ग ठीक करने की मांग करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसलिए जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला से निवेदन करते हैं कि तत्काल बिल्कुल विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर उक्त मोटर मार्ग को खोलने के लिए आदेशित करने की कृपा करें। आज ग्रामीण फंसे हुए हैं, लोग रोड खोलने पे मजबूर हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग, ये खोल रहे हैं रोड। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र। यहाँ पर सभी जोड़ों के दर्द, गठिया वात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबीनस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। साथ ही निशुल्क योग, नाड़ी परीक्षण, परामर्श व औषधि वितरण भी किया जाता है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के सिलथाम क्षेत्र में स्थित एक दुकान में काम करने वाले कर्मचारी पर सिमल गैर बाजार में आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया। कुत्तों ने कर्मचारी को बुरी तरह नोच डाला। आसपास के लोगों ने हो हल्ला मचाकर किसी तरह कुत्तों को खदेड़ा। घायल कर्मचारी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। नगर में आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। आए दिन लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में गहरी नाराजगी है। मुनस्यारी के रालम, देवी बगड़ और गोल्फा में आपदा के चलते लोगों को हो रही भारी दिक्कतों को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल शुक्रवार को पिथौरागढ़ में जिला अधिकारी से मिला। रालम से पाते जाने वाले रास्ते में पूरी सड़क जो है बह चुकी है नदी के बहाव से, जिसमें 46 परिवार वहाँ पे अभी तक फंसे हुए हैं। उनके पास जाने के लिए हमारे पास राशन पहुँचाने के लिए रास्ता नहीं है, और पिछले 10 दिनों से निवेदन कर रहे हैं बराबर कि आप जो है रास्ता खोले वहाँ पे। तो आज जिलाधिकारी मैडम ने आश्वस्त किया कि इस हफ्ते जो है वो पूरी टीम के सामने वहाँ पर रास्ता बनाने के लिए टीम आ जाएगी और PWD उसको रास्ता बना के देगी वहाँ पे। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जिला अधिकारी से मिलने वालों में प्रदीप रावत विजय राणा, दीपू चुफाल, लवराज रावत, राजेश दयाल, नरेंद्र राणा, सोनू राणा आदि शामिल रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।